तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो के अंदर फ़ोन देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल बता दूं। चलिए अभी पहले हम इसका मॉडल भी देख लेते हैं। तो अभी दोस्तों देखिए, यहां पर आप इसका मॉडल देखना, इसका मॉडल है यहां पर देखिए लिखा हुआ Vivo 2015 है। और इसका यदि प्रॉपर मॉडल देखें तो ये है Vivo Y1S। ठीक है दोस्तों, Vivo का मोबाइल है Vivo Y1S। और अभी देखिए इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पर देखना, इस फोन में यहाँ पर सेफ मोड एक्टिवेट हो गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए, कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम आए, आपके Vivo Y1S मोबाइल के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो आप उसे किस तरीके से बंद कर सकते हैं, यानी कि सेफ मोड किस तरीके से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर मिलने वाली है। तो भाई वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर वॉच करना, जिससे कि आप अच्छे समझ सकें और कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आप इसका आसानी से सोल्यूशन कर सकें। अभी दोस्तों देखिए, जब कभी भी आपके फ़ोन के अंदर सेफ मोड आ जाए तो आपको फ़ोन को बार बार ऑन ऑफ भी नहीं करना है, हार्ड रिसेट भी नहीं करना है, ना ही आपको सॉफ्टवेयर वगैरह कराने हैं, आप खुद से ही अपने ही आप अपने फ़ोन का सेफ मोड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों प्लीज़, उससे पहले मैं चाहूँगा, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी देखिए दोस्तों, किस तरीके से सेफ मोड को डीएक्टिवेट किया जाता है, ध्यान से समझना। देखिए आप यहाँ पर देखना, सबसे पहले सेफ मोड एक्टिवेट है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, सेफ मोड को हटाने के लिए आपको जो आपके फ़ोन का पावर ऑन ऑफ की होता है, जैसे आप फोन को चालू बंद करते हैं, आपको उसको प्रेस करके रखना, यानी कि दबा के रखना है। ठीक है, जैसे आप उसे दबा के रखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके फ़ोन के अंदर आ जाएंगे, एक लिखा मिलेगा आपको पावर ऑफ और सेकंड मिलेगा आपको रीस्टार्ट। ठीक है, तो आपको रीस्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगा, अभी आपको इसे ऑन नहीं करना है, ये अपने आप ही ऑन होगा। ठीक है, और जैसे ये फ़ोन ऑन हो जाएगा प्रॉपर, तो ऑन होते ही आपके फ़ोन का सेफ मोड 100% डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ़ोन ऑन हो रहा है। और देखिए कभी कभी क्या होता है, आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेते हैं और आपके फ़ोन का सेफ मोड बंद नहीं होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में आपके फ़ोन के जो वॉल्यूम की होते हैं ना, जिससे आप आवाज़ घटाते बढ़ाते हैं, आपका कोई ना कोई ये बटन ख़राब हो रहा होगा, पहले आप इसे ठीक करा लेना, उसके बाद आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना, आपका फ़ोन अपने आप ही बंद होगा और अपने आप ही चालू हो जाएगा, और जैसे ही प्रॉपर ऑन हो जाएगा आपके फ़ोन का सेफ मोड हट जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। देखिए जैसे आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं कोई कट नहीं लगा रहा हूँ वीडियो के अंदर, मैंने सिर्फ फ़ोन को रीस्टार्ट किया है। और यहाँ पर देखिए फ़ोन थोड़ा खुलने में टाइम लगा रहा है, जैसे ही प्रॉपर फ़ोन ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कोई भी सेफ मोड देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे कि देखिए अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए पहले इसका लॉक खोल के बता देता हूँ मैं आपको। देखिए फ़ोन का लॉक भी मैंने यहाँ पर खोल दिया है और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी इस फ़ोन के अंदर कोई भी सेफ मोड नहीं है, इसका सेफ मोड डीएक्टिवेट हो चुका है। और हाँ देखिए, होता क्या है, जब आप सेफ मोड को डीएक्टिवेट करते हैं तो आपके फ़ोन में कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनमें ऑटोमेटिक फ्लैट मोड लग जाता है, तो आप उससे फ्लैट मोड को हटा देना। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए फ्लैट मोड भी हमने हटा दिया और सेफ मोड भी यहाँ पर हमारा हट चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से ऐसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।